चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जिसमें आयनिक इक्विलिब्रियम और परसेंटेज प्योरिटी के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों लोग ध्यान दीजिए, कभी भी आपको परसेंटेज प्योरिटी के बारे में बात कर रहा होगा तो व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटेजी। देखिए परसेंटेज प्योरिटी वाले केस में कभी भी आप देखोगे, यू नो द वेट ऑफ इम्प्योर सैंपल, ठीक है, आपको पता होता है, नॉर्मली ये दिया जाता है। अब ये जब दिया जाएगा तो मैं, अगर मैं इसके पीछे से मैं चल रहा हूं कि मुझे क्या चाहिए, मतलब मुझे क्या निकालना है, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन क्या चाहिए, उसके लिए मुझे कैसे आगे बढ़ना चाहिए, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट मैप। तो परसेंटेज प्योरिटी अगर निकालना है तो मुझे प्योर सैंपल का वेट चाहिए होगा, सो वी रिक्वायर वेट ऑफ प्योर सैंपल, तभी आप कर पाओगे। यहां पर मेरा एच एक्स सैंपल, ठीक है, पर ये जो सैंपल प्योर जो है, इसका इंफॉर्मेशन हमें कैसे दिया गया है, हमें इंफॉर्मेशन दिया गया है थ्रू टाइट्रेशन। तो ये जो प्योर सैंपल है उसका इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है टाइट्रेशन से। सो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एच एक्स, प्योर एच एक्स, हमें टाइट्रेशन के जो गिवन डेटा से निकालना होगा। टाइट्रेशन में दो चीजें दिमाग में रखिए, पहला चीज ये हो रहा होगा कि एच एक्स जो प्योर है, हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि इंप्योरिटीज रिएक्ट नहीं करते एनओएच से, और वो ही बार बार एनओएच से रिएक्ट करके आपका एनएक्स प्लस एच टू ओ बना रहा होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि एच एक्स का कॉन्सेंट्रेशन लगातार घट रहा होगा, नंबर वन आस्पेक्ट। नंबर टू आस्पेक्ट, इक्विवेलेंस ऑफ एच एक्स रिएक्टेड शुड बी इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ एनओएच एडेड, ये एक एस्पेक्ट हो गया। तो यहां से हमें इक्विवेलेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकता है, बिकॉज हमें ये दिया हुआ है कि 60 ml पहले से था और हमारे पास 0.25 मोलर एनओएच है, तो कुछ डेटा तो मुझे दिया गया है, ठीक है, हमें इस तरह से बढ़ना चाहिए। एक क्रिटिकल पॉइंट याद रखिएगा कि जब आप एनओएच डालते हो तो वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज कॉन्टिन्यूअसली चेंजिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्वेश्चन यहीं पे गलत हो जाता है अगर आप इसको छोड़ दोगे तो, ठीक है। तो इन दोनों डेटा से आप एच एक्स का मोल्स निकालोगे, सो ये आप इन डेटा से एच एक्स का मोल्स निकालोगे, दैट शुड बी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ एक्स माइनस, That should be equals to moles of x minus, because hx में एक ही x है, ठीक है, और फिर आप वहां से वेट निकालकर फिर आप अप्लाई कर सकते हो। तो दिस इज द फोर स्टेप्स दैट वी हैव टू फॉलो। नाउ नंबर वन, पहला चीज हमें निकालना है वेट ऑफ प्योर सैंपल, पर वो डायरेक्टली दिया नहीं गया है, तो मुझे टाइट्रेशन डेटा दिया गया। नाउ टाइट्रेशन डेटा में दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट, इसका सिग्निफिकेंस समझो। हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट पर हम ये अज्यूम करते हैं कि मेरा जो एसिड है, जो भी है, जितना वो इक्विवेलेंस होगा उसका आधा कंज्यूम हो गया है ना, और जितना कंज्यूम हुआ उतना ही सॉल्ट बना होगा, तो उतना ही हम बोल सकते हैं सॉल्ट फॉर्म। और क्योंकि आधा कंज्यूम है, इसका मतलब ये हो गया कि उतना ही अभी बचा हुआ है, रिमेनिंग भी है, और ऐसे केस में पीएच जो होगा वो पीकेए के बराबर हो जाता है। कैसे हो जाता है आप समझो, अगर आप वीक एसिड को टाइट्रेट करते हो स्ट्रॉन्ग बेस से, तो पहला ड्रॉप जैसे ही आप एनएओएच का डालते हो वहां पर वो बफर बन जाता है। बफर के लिए आप इक्वेशन में क्या लगाते हो, पीएच इज इक्वल टू व्हाट, पीकेए प्लस लॉग सॉल्ट, दैट इज सपोज एक्स माइनस कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एच एक्स कॉन्सेंट्रेशन, है ना, और क्योंकि इक्विवेलेंस पॉइंट पे दोनों बराबर है, ये वन हो जाएगा और आंसर आपका पीके हो जाएगा। तो पहले इंफॉर्मेशन से हमें मिल गया के बारे में इंफॉर्मेशन, ओके।
सेकेंड इंफॉर्मेशन जो मुझे दिया गया है वो है इक्विवेलेंस पॉइंट पे. नाउ इक्विवेलेंस पॉइंट जो होता है इसका मतलब क्या होता है बच्चे लोग, इसका मतलब होता है एच एक्स जो भी था कंज्यूम कंप्लीटली, अगर हम लोग बात करें रिमेनिंग इज जीरो, सो फर्स्ट आई शुड राइट दिस थिंग, रिमेनिंग इज जीरो, सो ऑल एच एक्स इज कन्वर्टेड इंटू, ऑल एच एक्स इज कन्वर्टेड इंटू एक्स माइनस. क्लियर, ऑल एच इज कन्वर्टेड टू एक्स माइनस. तो अब यहां पर पीएच कौन डिसाइड कर रहा होगा इक्विवेलेंस पॉइंट पे. सो हियर वी हैव इक्विवेलेंस पॉइंट डिसाइडेड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, बिकॉज यहां पे सिर्फ सॉल्ट ही होता है. और ये सॉल्ट कैसा बना हुआ है, ये सॉल्ट बना हुआ है आपका वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से, इजंट इट. तो यहां पर पीएच कितना हो जाएगा बताओ, चलो पीएच हो जाएगा 1/2 पीकेडब्ल्यू प्लस PKa प्लस log C, दैट C इज द कॉन्सेंट्रेशन जो यहां पर अभी पड़ा हुआ है ओके सॉल्ट का. दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन C जो हम लोग बात कर रहे हैं सॉल्ट का, एंड दिस इज गिवन एज टू बी 9. ठीक है, दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज सिंपली दैट 1/2 दिस इज 14 प्लस पी के 5 हमने निकाला हुआ है प्लस लॉग सी इक्वल्स टू 9, और आई कैन से 19 प्लस लॉग सी इक्वल्स टू 18 सिंपली मीन्स लॉग सी इक्वल्स टू माइनस 1 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स माइनस दैट इज सी शुड बी इक्वल्स टू 10^-1 दैट इज 0.1 मोलर. तो मोल्स निकालना है मुझे तो मुझे वॉल्यूम भी निकालना होगा, तो नेक्स्ट स्टेप शुड बी कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम बिकॉज मोल्स निकालना है मुझे. नाउ वी नो दैट इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्ट, ये क्यों स्टेप चाहिए मुझे, बिकॉज मुझे वॉल्यूम निकालना है. क्यों निकालना है, बिकॉज मुझे मोल्स निकालना है. ठीक है, तो शुड बी इक्वल्स टू इक्विवेलेंस ऑफ NaOH. टाइट्रेशन का पहला रूल होगा कि भाई लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस फॉलो होगा. अब ये इक्विवेलेंस कितना होता है, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू इसका वैलेंसी फैक्टर. ये सॉल्ट के लिए जो भी आपका होगा शुड बी इक्वल्स टू वैलेंसी फैक्टर इंटू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड, ये उसके लिए हो जाएगा. नाउ वैलेंसी फैक्टर इसका 1 होगा बिकॉज ये एक सॉल्ट है, मोनोबेसिक सॉल्ट है, आई मीन -1 चार्ज है तो इस पे आएगा. और इसका मोलारिटी जो हमने निकाला है 0.1 मोलर है. वॉल्यूम टोटल मान लीजिए V है. NaOH का वैलेंसी फैक्टर 1 ही होगा बिकॉज एक ही OH दे रहा होगा. मोलारिटी इसका कितना दिया हुआ देखो तो, सो 0.25 मोलर हो गया. इनटू वॉल्यूम क्या ले ना, वॉल्यूम हैज टू बी, अगर मैं मान लेता हूं V वॉल्यूम टोटल है उसमें 60 वॉल्यूम ml तो मुझे घटाना पड़ेगा. दिस इज द मिली मोल्स हम लोग बात कर सकते हैं, मिली इक्विवेलेंस की बात कर रहे हैं अगर हम लोग ml ले रहे हैं तो. क्यों ऐसा किया, बिकॉज पहले 60 पढ़ा था उसके बाद आपने NaOH डालना शुरू किया. सो फ्रॉम हियर इफ यू कैन कैलकुलेट 0.1 V इक्वल्स टू 0.25 इनटू V माइनस 60, और आप ये देखो 0.4 V इक्वल्स टू V माइनस 60, दिस इंप्लाइज 0.6 V इक्वल्स टू 60 और V equals to 100 ml. So total volume जो अब है वो है 100 ml. ठीक है, अगर total volume अगर 100 ml है तो आप तुरंत बोल सकते हो moles of X minus equals to moles of HX because दोनों का valency factor एक ही है. That should be equals to what, 0.1 क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स माइनस 1.1 है. इनटू अगर बात करें वॉल्यूम इन लीटर इज 0.1 दैट इज यहां पर 0.1 लीटर है. ठीक है, तो मोल्स मिल गया 10^-2 मोल्स. ओके, 10^-2 मोल्स अगर आपको मिल गया है नेक्स्ट, सो आप तुरंत इसका वेट निकाल सकते हो, है ना. तो वेट ऑफ एच एक्स कितना हो जाएगा, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास,
कितना हो जाएगा 10 पावर माइनस 2 इंटू 82, ओके दिया हुआ है दिस इज ग्राम्स, तो परसेंटेज प्योरिटी कितना आ जाएगा बच्चा लोग बताइए, दिस शुड बी इक्वल्स टू वेट ऑफ प्योर सैंपल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ इम्प्योर सैंपल इंटू 100, दैट इज 0.82 डिवाइडेड बाय 1.025 इंटू 100 एंड दैट विल कम आउट टू बी 80%. दिस इज योर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू इंटरप्रेट द डेटा. सो नेक्स्ट टाइम यू सी द क्वेश्चन, क्वेश्चन ये नहीं हो सकता ये ना आए, पर इससे जो इंफॉर्मेशन आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट क्या मीन करता है, इक्विवेलेंस पॉइंट का क्या मतलब है, वहां पर पीएच कैसे निकालते हैं, ये सब डेटा से आप जो भी आपको चाहिए एज पर द क्वेश्चन आप प्रोसीड कर सकते हो. वंस अगेन आई विल से कि आपके दिमाग में इस तरह का कोई एक कॉन्सेप्ट मैप डेवलप हो जाना चाहिए जिससे आप क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसको निकालने के लिए जो भी आपको स्टेप चाहिए फ्रॉम द गिवन डेटा कैसे पहुंचेंगे वहां वहां, वो सब आपको क्लियर हो जाना चाहिए. ओके okay?